बनी सड़क के ऊपर पुनः लीपापोती कर तिजोरी भरने का खेल पूरे रीवा जिले में चल रहा है। ताजा मामला विश्वविद्यालय का है, जहां विश्वविद्यालय में गुणवत्ता और मानक मापदंडों के विपरीत सड़क का निर्माण किया गया है। उक्त सड़क जर्जर होने लगी तो एक बार फिर लीपापोती कर पैसे हजम करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व बनाई गई सड़क के ऊपर ही एक बार फिर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कुल सचिव की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है। उक्त मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने पीआईयू विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं ठेकेदार तथा विश्वविद्यालय के कुल सचिव और इंजीनियर की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से छात्रों की राशि का बंदर बांट कर ठेकेदार विभाग अपनी तिजोरी भर रहा है, वह शर्म की बात है। बीके माला ने कहा कि उक्त मामले की शिकायत राज्यपाल को भेजी जाएगी और जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। देखिए, अब देश प्रताप विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, विद्या का मंदिर है। इस विद्या के मंदिर में यदि भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो सड़क के नाम पर हो, चाहे वो बिल्डिंग के नाम पर हो, चाहे पुताई के नाम पर हो, वो भ्रष्टाचार निंदनीय है निश्चित तौर से। यह जहाँ जिस सड़क में हम खड़े हैं, यह पूर्व में विगत 5 वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण संविदाकार अनल पाल सिंह के माध्यम से व अन्य संविदाकारों के माध्यम से कराया गया था। ये पूरे विश्वविद्यालय में अब वर्तमान में फिर डामर के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा, पैसा राशि आहरण किया जा रहा है। जो राशि इस डामर में लगनी है, लीपापोती डामर के नाम पर की जा रही है, वह अन्य कहीं संसाधनों या कहीं उपकरणों में या विश्वविद्यालय के अन्य कामों में लगती। पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय के कुल सचिव की सांठगांठ से संविदाकार, पीआईयू विभाग के संविदाकार की सांठगांठ से कई करोड़ों का बन रहा पार्क, व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा, सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार हो, इसी रोड पर जहां पर हम खड़े हैं वहां मानक मापदंडों के विपरीत ऊपरी सतह को पोत दिया गया है और नॉर्मल रातों रात एक रात में पूरी सड़क बना दी गई है। छात्रों का पैसा, छात्र छात्राओं के पैसे के साथ विश्वविद्यालय दुरुपयोग कर रहा है। इस विद्या के मंदिर में विश्वविद्यालय के कुलपति, जो कुलगुरु होते हैं, विश्वविद्यालय के संरक्षक होते हैं, उनके द्वारा और विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा कि आपके अधीनस्थ, आपके पोर्च के नीचे, प्रशासनिक भवन के नीचे मानक मापदंडों के विपरीत विश्वविद्यालय में गुणवत्ता विहीन सड़क बनाई गई है और इसका टेंडर कैसे हुआ, किस संविदाकार ने बनाया, ये गंभीर और जांच का विषय है कि विश्वविद्यालय में 5 वर्ष पहले रोड बनती है, 5 वर्ष बाद फिर रोड बन जाती है, दीक्षांत समारोह के नाम में उसी बिल्डिंग में 6 महीने पहले पुताई प्रशासकीय भवन की होती है, फिर प्रशासकीय भवन की पुताई फिर 6 महीने बाद होने लगती है। तो ये विश्वविद्यालय संस्था है, ये कोई पीडब्ल्यूडी या विक्रय का केंद्र बाजार नहीं, सब्जी मंडी नहीं है कि जहां से आप किसी दर पे आलू खरीद लेंगे, सब्जी खरीदना शुरू कर देंगे। इस शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा, विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा के माध्यम से मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय में धारा 52 की कार्रवाई करनी चाहिए और विश्वविद्यालय कुल सचिव को, जो प्रतिनियुक्ति पे आए हैं, जो डॉक्टर यहाँ के कुल सचिव है वो प्रतिनियुक्ति में है, उन्हें पुनः मूलतः अपने विभाग में भेजना चाहिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय में मानक मापदंडों के विपरीत और जो एक बार पहले रोड बनाई जा चुकी है, एक बार पुताई की जा चुकी है, उसी को दोबारा टेंडर होना, वर्क आर्डर होना या कैसे प्रक्रिया है, ऑनलाइन टेंडर क्यों नहीं हो रहा, टेबल टेंडर क्यों हो रहा, इसकी सबकी जाँच होनी चाहिए। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।